गाइस आज हम बनाएंगे चिकन। तो इसके लिए हमने प्याज मिर्ची और जीरा तेल में डाल दिया है। देख सकते हैं धीमी आंच पक रहा है। ये हमने 1 किलो चिकन लिया है, उसके बगल में थोड़ा टमाटर है काट के रखे हैं। हमारे प्याज थोड़े से ब्राउन हो गए थे, हमने उस पर चिकन ऐड कर दिया और टमाटर भी। इसको हम 5 मिनट तक पकाएंगे हल्दी नमक के साथ। मसाले पीस लेते हैं। इसमें हमने लाल मिर्च, हल्दी, दालचीनी, जीरा, धनिया ये सब लेके पीस लिए हैं। हमारा चिकन थोड़ा पक चुका है। इसमें हमने जो मसाला पीसा है ये सब हम ऐड करेंगे। मसाला पूरा अच्छे से पीस लिया हमने, फाइन पतला पेस्ट बना लिया है। अब हम डाल रहे हैं चिकन में अपना मसाला का पेस्ट। इसको मिक्स कर लिया हमने। जैसे भी हम इसको अब 10 मिनट तक ऐसे भुनेंगे पकाएंगे। हमारा पक चुका था, हमने पानी ऐड कर दिया है। अब इसमें रख के 5 मिनट तक पकाएंगे। ये बोल रहा है तो इसमें हम गरम मसाला ऐड कर देंगे। वो मैं वीडियो में बनाना भूल गई गरम मसाला डालते समय, लेकिन आप डालिएगा। हमारा बनकर तैयार है चिकन। इसे हम रोटी से खा सकते हैं चावल के साथ। मुझे चावल पसंद है इसलिए मैं चावल से खाऊंगी। चावल पहले से रेडी है, हम जा रहे हैं खाने चावल चिकन। देखिए टेस्टी चिकन तैयार है, गरम गरम टेस्टी चिकन। तो आप भी बनाइए, खाइए रोटी और चावल के साथ और एंजॉय करिए गर्मा गर्म चिकन टेस्टी। इसका लुक देखिए कितना अच्छा है, लवली। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।